કાશ્મીર ઘાટીના વિવિધ જિલ્લામાં સ્નોફોલ થતા વિસ્તારમાં બરફની ચાદર ફેલાઈ ગઈ છે ગુલમર્ગ અને પહલગામ જેવા પ્રવાસન સ્થળો પર બરફવર્ષા થતાં હજારો પ્રવાસીઓ ઉમટી પડ્યા છે જેના કારણે ઘાટીમાં આગામી કેટલાક અઠવાડિયા માટે બધી હોટલ અને ગેસ્ટ હાઉસ સંપૂર્ણ રીતે બુક છે પ્રવાસન સાથે જોડાયેલા લોકોનું કહેવું છે કે જેટલો વધારે બરફ પડશે તેટલો પ્રવાસન ઉદ્યોગ સારો ચાલશે પ્રવાસીઓ પણ બરફવર્ષાનો આનંદ ઉઠાવતા જોવા મળી રહ્યા છે કેમ કે ગુજરાતના અદ્ભુત નજારાને નિહાળીને પ્રવાસીઓ જાણે તેમનું સપનું પૂરું થઈ ગયું હોય તેવો અહેસાસ કરી રહ્યા છે अबमान विभागि आगामी 2 दिवस સુધી મોસમનો મિજાજ આવું જ રહેવાની આગાહી કરી છે કાશ્મીર ગાટીના ઉંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ફરીથી બરફ વર્ષા અને વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે Kashmir Ghati mein mausam ne ek baar fir se mizaj badla hai aur ये जगह एक बार फिर बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपट गई है आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त हम गुलबाग में हैं और अब देखिए कैसे ये पेड़ जो है पूरी तरह से बर्फ़ से डक चुके हैं और ज़मीन भी बर्फ़ से डक चुकी है दरअसल मौसम विभाग ने पिछले कुछ दिनों से ही ये भविष्यवाणी की थी कि आज से यहाँ पर जो है भारी बर्फबारी होगी ऊंची पर्वतीय इलाकों में और ऐसा ही देखने को मिला है लगातार जो है पर्वतीय इलाकों में बीती रात शाम से ही बर्फ़बारी हो रही है चाहे यहाँ गुलमर्ग की बात करें सोनमर्ग की बात करें पहलगाम की बात करें हर जगह पर लगभग छः इंच से लेकर और कई जगहों पर दो से ढाई फीट तक बर्फ़ जमा हुई है और इस बर्फ़ की वजह से कई हादसे भी देखने को मिले हैं आज एक सोनमर्ग बालतल इलाके में एवलॉन्च आया जो एक बहुत ही बड़ा एवलॉन्च था और उसमें एक लेबरर की जो है आ, मौत हो गई है उसका शव वहाँ से बरामद हुआ है आ, और इससे पहले अगर हम कल की बात करें तो मछेल सेक्टर कुपवारा में जो पड़ता है वहाँ पर बर्फ खिसकने से जो है वहाँ तीन जवान जो है वो शहीद हुए जिनमें एक जे भी था और इसके अलावा अगर हम इस बर्फ़बारी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बर्फ़बारी जो है स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें तो बढ़ाती है क्योंकि इससे जो सरफेस ट्रैफिक है वो बहुत डिस्टर्ब होता है खासकर अगर हम पहाड़ी इलाक़ों की बात करें कुपवारा के ऊपरी इलाके जो है लगभग सभी रोड बंद कर दिए गए हैं यातायात के लिए जिसमें बान्डीपोरा से ग्रेज तक का रोड है या फिर टंगडार केरन का रोड है, वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है इसके अलावा श्रीनगर लेह रोड जो जिला पास पे उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा बर्फ है और फिसलन है लेकिन दूसरी तरफ यह बर्फबारी जो है कश्मीर के जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक सौगात बन के आती है क्योंकि इसी बर्फ़बारी को देखने के लिए ये ख़ूबसूरत नज़ारे जो आप देख रहे हैं इन्हीं को देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं और पर्यटन उद्योग की अगर हम बात करें तो विंटर टूरिज़म चरम पे है इस वक्त कश्मीर में कोई भी पर्यटन स्थल नहीं है जहां पर 80 से 100 फीसदी की बुकिंग न देखने को मिली हो खचाखच यहां पर पर्यटक भरे हुए हैं और हमने देखा कि लगातार बुकिंग्स आ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से जो समर में यहां रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे थे उसी तरह से विंटर्स में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक जो है कश्मीर घाटी पहुँचेंगे और इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग ने गुल गुलमर्ग पहलगाम इन दो जगहों पर आ, कुछ ऐसे अट्रैक्शन भी रखे हैं पर्यटकों के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर घाटी की तरफ आ, जो है आकर्षित हो और अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो अगले 24 घंटों तक कश्मीर घाटी में और लद्दाख घाटी में मौसम के ऐसे ही मिजाज बने रहेंगे कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन जी मीडिया गुलमर्ग कश्मीर में जैसे ही बर्फबारी होती है और खासकर गुलमर्ग में जब बर्फबारी होती है तो ये जगह जो है धरती का स्वर्ग बन जाती है और इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं हमारे साथ यहाँ पर्यटक है जो गुलमर्ग के इन सुहाने मौसम के जो पल हैं उनको कैद करना चाहते हैं अपनी यादें बनाना चाहते हैं उनसे बात करते हैं आपका नाम क्या है नितेश कुमार नितेश जी बर्फबारी हो रही है पूरे पेड़ ढके हुए हैं बर्फ से तो ये आनंद ये अनुभव कैसे बताएंगे हेवन जैसा लग रहा है सर काफ़ी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल स्नो कॉटन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है हल्की हल्की है पूरा हेवन लग रहा है आप स्विट्जरलैंड कह सकते हो इसे सेकंड तो आपने कभी बर्फ़ देखी थी नो सर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा ये हाँ जी फर्स्ट टाइम कैसे आनंद लिया इस बर्फ़ का मैंने देखा आप घूम रहे हैं गुलमर्ग सर हमने वो केबल कार की राइड की है और सर हम स्नो से खेले हैं स्नो को थ्रो करके मतलब फैमिली के साथ ऐसे खेले हैं काफी अच्छा लगा आपका नाम क्या है बेटा सर सपना फोगाट है मेरा नाम सपना कैसे बताएंगे एक्सपीरियंस जो स्नो में आप देख रहे हैं सर ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था जैसे भैया ने बताया कि एक अनबिलीवेबल मतलब है ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था हमने एक, ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे हमने पहली बार स्नो देखी और हम इसी के लिए आए थे और जैसा हमने सोचा था हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा था आपको लगता है कि वो ड्रीम पूरा हुआ हाँ बहुत हो गया मेरा तो इसका भी हो गया मेरा भी इसी इसको तो मैंने कोल्हापुर से बुलाया है ये देखने के लिए यहाँ पे आपका नाम बेटा वैष्णवी उदय कदम आप तो खास इसी चीज के लिए आए हैं तो कैसा लग रहा है ये सब? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो कैसे आपने खेला बर्फ़ से कैसे एक्सपीरियंस किया आ, मैंने स्नोमॉल में स्नोमॉल बनाया बहुत बहुत मजा आया मुझे स्नोफॉल जब कश्मीर में होता है तो कश्मीर बहुत खूबसूरत दिखता है तो कैसा लग रहा है आपको ये सब एक्सपीरियंस आपको आपको लगता है कि पर्यटकों को यहाँ आना चाहिए देश में इससे बेहतर जगह नहीं है देखने के लिए बिल्कुल सर यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ कि हर एक पर्यटक को यहाँ, के, यहाँ पे आके घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतना बढ़िया मौसम है ऐसा नज़ारा तो हम पहले देख चुके है लेकिन ये गुलमार्ग वाला जो नजारा है बिल्कुल हेवन जैसा बिल्कुल लग रहा है स्वर्ग कहते हैं धरती का स्वर्ग जो यही है धरती का स्वर्ग और ये एक्चुअली स्नोफॉल जो हो रहा है इसी में तो घूमने का एक्चुअली जो नज़ारा है इसी में घूमने का नज़ारा है सर बहुत बढ़िया है, हैप्पी फील हो रहा है बिल्कुल और मेरे बच्ची फैमिली सभी को मतलब ऐसा एंजॉय तो जिंदगी में कभी मिला नहीं लेकिन पहली बार हम ले पा रहे हैं सर बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर ये लोग शुरू भी हो गए और बर्फ़ से खेलना जो है इनका शुरू हो गया निसंदेह यही एक चीज़ होती है जो बर्फ़ में इनको जो है बहुत आनंद देते हैं और बर्फ़ से खेलते हुए ये लोग जो है यहाँ पर सेकंड स्विट्जरलैंड से को ही ये जगह जो है काफ़ी लुभावनी हो जाती है काफ़ी मनमोहक हो जाती है क्योंकि इस जगह की बात ही कुछ और है जब ये बर्फ़ से ढक जाती है हमारे साथ एक व्यक्ति है जो कश्मीर के रहने वाले उनसे बात करते हैं यहाँ के लोगों के लिए रोजगार मिलता है टूरिस्ट के साथ जो कितना फायदा होता है बर्फ से सर बहुत सारा बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं तो वो आप चाहते हैं कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ पे जी हमारा भी प्रॉफिट हो इनका भी फायदा हो ये भी ताकि कश्मीर पूरा देख सके ये हैवन है तो ये भी इसको मजा सके बिल्कुल देखिए जहाँ एक तरफ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार का द्वार खुल जाता है वही ये देखिए आप किस तरह से ये लोग इस बर्फ़ से खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए ये लोग ये टूर प्लान करते हैं और इसी चीज़ को देखने के लिए ये लोग जो है यहाँ पे आते हैं और आज मानो इनका जो है सपना सच हुआ है कैमरा पर्सन फ़ैरोज़ अहमद के साथ खालिद हुसैन जी मीडिया गुलमर्ग